अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड मूवी वॉर 2 का ट्रेलर आ गया है। ये किसने कहा कि ये बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर है? ध्यान से देखो यार, ये वॉर 2 का ट्रेलर है। इन्होंने VFX से ऋतिक के चेहरे पे अक्षय कुमार का चेहरा लगा दिया है। बड़े मियां छोटे मियां फिल्म से अभी तक एक टीजर, 3 गाने और 3.5 मिनट का ट्रेलर आ चुका है। अब आमतौर पे इन सारे मटेरियल्स का ये काम होता है कि फिल्म की हाइप को बढ़ाना, लोगों को थिएटर तक आने के लिए मजबूर करना, और यही सब काम करने में ये मूवी असफल रही क्योंकि लोगों के अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं है भाई। के 3 गाने जाके आप लोग सुन लो, मतलब कान के पर्दे फट जाएंगे भाई। टीजर थोड़ा बहुत देखने लायक था, हमने सोचा कि ट्रेलर के अंदर हमको क्या पता और मजा आए, तो इन्होंने हमारा और बड़े लेवल पे काटा। ट्रेलर के अंदर भाई थोड़ी बहुत चीजें दिखाई जाती हैं एक्साइटमेंट के लिए, इन्होंने पूरी पिक्चर ही दिखा हमारी ट्रेलर के अंदर। हाँ भाई, एक छोटा सा सस्पेंस भी इन्होंने नहीं रोका, सब कुछ रिवील कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए एक बात ये है, मैं इस फिल्म को थिएटर में देखने जाऊं तो क्यों जाऊं, क्योंकि मुझे पिक्चर की कहानी तो ट्रेलर के अंदर ही पता चल गई है। अब जिन लोगों को नहीं चलिए उन लोगों को मैं बता देता हूँ, फिल्म के अंदर पृथ्वीराज सुकुमारन एक विलन का रोल प्ले करने वाले हैं, जो कि खुद अपने पास्ट में एक इंडियन आर्मी रह चुके हैं। अब उनके पास्ट में उनके साथ कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो इंडियन आर्मी के अगेंस्ट आ गए हैं। अब उन्होंने AI लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके कुछ बड़ा सा कांड करने की तैयारी कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। अब इनको रोकने का जो काम है वो टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार करेंगे, और बच्चा बच्चा जानता है कि वो रोक देंगे और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। देन आप लोगों ने ट्रेलर के अंदर एक शॉट भी देखा होगा कि जहाँ पे टाइगर श्रॉफ अक्षय कुमार से लड़ रहे हैं, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ से लड़ रहे हैं। अब वो चीज भी पता है इन्होंने स्पॉइल कर मारी ट्रेलर के अंदर ही, उसको अगर बचा बचा कर काटते तो ये लोग काफी अच्छे से यूज कर सकते थे Tiger 3 के ट्रेलर की तरह। उस ब्रिज वाले सीन पे शाहरुख खान भी थे, लेकिन शाहरुख खान को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया ट्रेलर के अंदर, सिर्फ सलमान खान के सीन दिखाए गए। ऐसा ही सेम इसके अंदर भी करना चाहते लेकिन इन्होंने नहीं किया भाई, इन्होंने दोनों अक्षय कुमार दिखा दिए और दोनों टाइगर श्रॉफ भी दिखा दिए। जिन लोगों को अगर ये लग रहा हो कि अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ आपस में लड़ रहे हैं, तो नहीं भाई, ये लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन ने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का AI वर्जन बनाया, यानी कि डुप्लीकेट बनाया है इनसे लड़ने के लिए। ये जो AI वाले वर्जन है, इनकी आप फेस देखो, इस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, रोबोटिक सा फेस लग रहा है और क्लियर लग रहा है कि VFX से क्रिएट किया गया ये। और इनके कपड़े भी देख लो, इनके दोनों के कपड़े एक जैसे हैं बिल्कुल, इन्होंने कोई डार्क ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है। बाकी फिल्म के अंदर अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार के काम का मैं क्या ही बात करूं, इनको जो करना चाहिए ये वो नहीं कर रहे हैं, जो इनको नहीं करना चाहिए वो ये कर रहे हैं, और ये सिर्फ अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि आप इस फोटो में देखो, अक्षय कुमार की जो मूंछ है आपको कितनी रियल लग रही है? भाई मेरे को तो 1% भी रियल नहीं लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस मूंछ के ऊपर किसी ने काली डाई कर दी है, कोई काला पेंट कर दिया है, क्योंकि इनकी स्किन तो नजर ही नहीं आ रही। और इस फोटो में एक और क्रिंज चीज है कि भाई की मूंछ देखो बिल्कुल प्योर काला, मतलब काला रंग भी शर्मा जाए इनकी मूंछ के आगे, और इनके बाल देखो इतने सफेद हो रखे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर भी शर्मा जाए इसके आगे। और टाइगर की तो मैं क्या ही बात करूं, उनका लेवल तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। गणपत, बागी, हीरोपंती, मतलब इन सब से इनका जो करियर है ना एकदम पीक पर जा चुका है, हम इनसे और कुछ की उम्मीद रख ही नहीं सकते। तो ये जो करते हैं हर फिल्म के अंदर, इस फिल्म के अंदर भी वही कर रहे हैं, कूदा फांदी कर रहे हैं। और साथ ही पृथ्वीराज सुकुमारन ने इनका काम देखने के लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, और साथ ही अली अब्बास जफर का काम देखने के लिए, क्योंकि ट्रेलर के अंदर अली अब्बास जफर हर 2-2 सेकंड में एक बम फोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी ने इनको फ्री में गोला बारूद का झोला पकड़ा दिया है और ये दिवाली मना रहे हैं अपनी। बाकी फिल्म के अंदर काफी बड़े बड़े लेवल पे एक्शन सीन शूट किए गए हैं जो कि हमको देखने को मिलेगा। और इस फिल्म से मैं एक ही चीज की उम्मीद लेके चलूंगा, वो रहेगा फिल्म का डायरेक्शन, इसका एक्शन। इसके एक्शन से उम्मीद लेके चलूंगा, अगर इसके एक्शन ने मेरे को सेटिस्फाई कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे पैसे वसूल हो गए। अगर इसका एक्शन भी बेकार निकला तो मेरे लिए सब कुछ वेस्ट है, क्योंकि मेरे को अक्षय कुमार की और टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग उतनी अच्छी लेवल की लग नहीं रही है, और उतना खास मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। बाकी यार, अगर आप लोगों ने इस ट्रेलर को देख लिया है तो आप लोगों को कैसा लगा? मेरे को भाई उतना खास नहीं जमा। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।